पेपर दीजिए ना। तुम बच्चों को तो बस यही सूझता है, ये लो पेपर। हमेशा ऐसे फ्री में पेपर पढ़ते हो। अरे वाह, मेरे फेवरेट फाइटर ने तो कमाल कर दिया। कमाओ, मुझे भी दिखाओ ना। उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, प्लीज कमाओ। He has such a huge body but such a small. कबाल, ये देखो। अरे तुम्हें क्या हुआ साबु? ये न्यूज़ देखो। ये देखो, मेरी फेवरेट मिस सुमिरे अमेरिका जा रही है। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? फिर मैं उसका शो कैसे देख पाऊंगा? ओ, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? तुम ये जो खबर हमें बता रहे हो, ये तो काफी टाइम पहले ब्रेकिंग न्यूज बनकर टीवी पर आ भी चुकी है। क्या अमेरिका के स्टेज में परफॉर्म करने जा रही हैं? आप यहाँ से एक साल के लिए जाएंगी, यहाँ के फैंस का क्या होगा, सोचा है आपने? ये सच है कि मुझे अमेरिका में स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिला है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी तक क्यों डिसाइड नहीं किया है? या आप डिसीजन लेना नहीं चाहती है? आप हमेशा विदेश में पढ़ना चाहती थी, क्या आप इसलिए जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए ना। तो क्या बात है, बताइए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मिस सुमिरे को ये सब लोग ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाओ तुम, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पाको, हो? क्या बात है पाको, तुम और मिस सुमिरी के लिए रो रही हो? तुम कोई बात समझना नहीं चाहते हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे भाई, अब मैंने क्या किया? तुमने उसे फिर हर्ट किया। छोड़ो, उसका हमेशा का नाटक है, इसमें नया क्या है, है? लेकिन इस बार बात कुछ सीरियस है। क्या तुम परमैन बनकर नहीं रहना चाहती? सोच लो एक बार। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं अमेरिका चली गई तो परमैन की एक्टिविटीज कैसे कर पाऊंगी? अमेरिका के स्टेज पर परफॉर्म करने का मेरा बचपन का सपना है, मैं अपना सपना पूरा करूंगी। फिर से सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। हाँ, मैंने सोच लिया है। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये गन तुम्हारे दिमाग से परमैन की सारी यादें मिटा देगी। मुझे मालूम है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर परमैन का सीक्रेट भी बचाना जरूरी है, तुम समझ सकती हो। तैयार हो जाओ। लगता है ये गन काम नहीं कर रही। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी परमैन नंबर 3, इसे रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तब तक तुम इस बात पर जरा ध्यान से सोच लेना। ये तो सच है। प्लीज मत जाओ सुमिरे, प्लीज मत जाओ। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वैसे देखा जाए तो मैं तो बस तुम्हारी रोबोट हूँ, और क्या, तुम ठीक कह रही हो। वैसे कहूँ तो तुम्हारी रोबोट होने के नाते एक बात मेरी समझ में आ रही है, और वो क्या है? Is that you don't want to leave him and go away? Am I right? Huh? Who else can it be? I'm talking about Perman number 1, Mitsu. Oh, come on. It's nothing like that. Come on, don't assume. सुमिरे को जाने से रोकने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। ओह, मिस सुमिरे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस सुमिरे, नहीं। Please don't go. Please think of me. Mitsu dear, if you insist so much, I will surely stay back in Japan. Sumire, it's me, Perman, who want you to stay back. Bobby, what are you doing here? Oh, I'm so sorry. Kya kaha? Bhai, emergency aayi hai. Theek hai, main bas abhi wahan pahunchta hu. Are, ek bar sorry bol diya na, kitna gussa karte ho, ha? Hi, Perman. Hi, Bobby. Tum hamesha emergency problems lekar aate ho. या मैं इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में फंसा हूँ। पता नहीं मिस सुमिरे अमेरिका जाने वाली है। बहुत हो गया, तुम हमेशा सुमिरे करते रहते हो। मैं ही परमान बनना छोड़कर अमेरिका चली जाती हूँ। सच्ची? क्या तुम अमेरिका जा रही हो? पर क्यों पाको? मुझे नहीं मालूम, मैं बस जा रही हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। तुम ही एक हो जो मेरी प्रॉब्लम समझ।
बाजी मत करो, जाना चाहती हो तो सीधे चली जाओ। वैसे भी लोग कहते हैं कि तुम और सुमीरे एक जैसे ही दिखते हो, तुम चली जाओगी तो अच्छा ही रहेगा, फिर मिस सुमीरे यहीं पर रह जाएगी। क्योंकि यही सच है, मैं और सुमीरे अब। ओ, प्लीज प्लीज, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, चाहे वो अमेरिका हो या अटलांटिका। कम से कम तुम्हारे इस साउंड पोल्यूशन से छुटकारा तो मिलेगा। साउंड पोल्यूशन क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से साउंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि हमेशा ना स्टार बड़बड़ जो करती रहती हो, मेरा सिर दर्द करने लगता है। जरा याद करो तुम जैसे इडियट के लिए मैंने कितना कुछ किया है। लाइक यू व्हाट, आई गो टू अमेरिका एंड फाइंड अ स्मार्ट बॉयफ्रेंड फॉर माय सेल्फ। बाय बाय। अरे छोड़ ना बूबी, हमेशा का नाटक है उसका, छोड़ो उसे। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुमीरे अमेरिका जा रही है तो वो बहुत परेशान हो गया है, उसे मेरी जरा भी कदर नहीं, उसे मालूम नहीं कि मैं ही सुमीरे हूँ। तो चलो अभी रियल एक्शन का टाइम हो गया है। परमैन नंबर 3, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ठीक है, अपने रोबोट को बाहर लाओ और मेरे साथ चलो। अब अपना बैज उसे दे दो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। ये लो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो जल्दी। क्या कहा? पाको सचमुच हमें छोड़कर जा रही है? ये बात करने का टाइम नहीं है, जाओ उसे रोको। लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हमें उसे रोकना ही होगा। लेकिन ये उसका अपना डिसीजन है ना, मैं क्या करूँ? मारा क्यों? देखो मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, मैं तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स जानता हूँ। ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। ठीक है ठीक है, चलो बूबी। तो मिस सुमीरे, तुम परमैन बनना छोड़कर अमेरिका जाना चाहती हो, ये बात सच है? हाँ। अपनी आंखें बंद करो मिस सुमीरे। रुक जाओ। पाको, नहीं तुम नहीं जा सकती, बाहर आ जाओ पाको। बहुत देर हो चुकी है, ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों परमैन अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बाहर आना ही होगा। पाको, पाको। छोड़ना नहीं, मैं भी आ गया हूँ। कैसे पहुंच गए? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपना सारा पावर मिलाकर इस डोम को तोड़ते हैं। इन तीनों से कुछ नहीं होने वाला। मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी। Over here, this is so embarrassing. के, तो ये सारा प्लान बर्डमैन का था। तभी मैं सोचूं कि मैं इतने जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ। तुमसे बात होने के बाद मेरे आँखों के सामने रोशनी आई और लो मैं यहाँ पर पहुँच गया, बिल्कुल तुम्हारी आँखों के सामने। ओ, तो ये सारा प्लान बर्डमैन ने बनाया है। अच्छा, तो बर्डमैन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमारे माइंड पढ़ सकते हैं। चलो सब कुछ ठीक हो गया, चलो काम पर चलते हैं, ऐसे डम्बो लीडर के साथ। क्या कहा? मैं डम्बो हूँ? हाँ, ये बात तुम भी मानते हो है ना? और तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। जरा जोर से बोलो, तुम बेवकूफ हो। तुम डम्बो हो, डम्बो हो, डम्बो हो। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। ऐसा एंडिंग अगर हो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्यों है ना बूबी?